सकते हैं भी 100 पंडित एक जगह, दोतरे पोतरे एक जगह, दोतरे पोतरे एक जगह। तो ये वो दोतरे पोतरे हैं 100 पंडितों की जगह। छोटा सा कद्दू, छोटे से कद्दू के साथ। बस अब उनका वेट है, बाकी काम सारा खत्म हो चुका है। वो शायद मार्केट गए। अंशुल कह फैमिली से बाहर हो, पहले ही हो गई है, कल को तो हो ही जाएगी। खैर पर अभी हो गया, अभी से हो गया फैमिली से बाहर। ठीक है, अरे चलो फैमिली से बाहर। मैं वैसे बोल चुकी हूँ पहले, ठीक है ना। फिर मैंने ये बोला था भाई, ये देखो ये है वो। ये आज आज इसको आज देखो, और फिर मैं इसको छोटा सा रूप भी दिखाऊंगी। मेरे घर क्या क्या है, देवी देवता। मेरी बात सुनो, देवी देवता ही होते हैं हमारे। मेहमान आया, भगवान आया। हाँ नहीं, वो तो भगवान ये है। हमारा भगवान ये हमारी लक्ष्मी, लक्ष्मी भगवान है। ये लक्ष्मी है, हमारी लक्ष्मी है। पर ये इसलिए मतलब वो है, देवी देवता है भी हमारे, जो हिंदू धर्म में बोला जाता है भाई, जो अतिथि नहीं बेटा, अतिथि तो हो ही नहीं तुम हमारे, तुम इस घर के वो हो, इस घर के मेंबर हो, अतिथि नहीं हो। पता है क्या है, क्या बोलते हैं भाई, 100 पंडित एक जगह, दोतरे पोतरे एक जगह, दोतरे पोतरे एक जगह। तो ये वो दोतरे पोतरे हैं 100 पंडितों की जगह पे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रही हूँ, हमारे घर देवी देव तो भगवान ही है ना, हमारे घर भगवान आए, ठीक है ना। तो भगवान जी हम बहुत खुश है, देवी जी, देवी जी हम बहुत खुश है। लक्ष्मी हो, ये लक्ष्मी है, ये हमारी गृह लक्ष्मी है, ठीक है। हाँ तो लक्ष्मी जी यही वास रखना, वरदान दो। अरे ये भी लक्ष्मी है, ये भी लक्ष्मी है, ठीक है ना। ये भी घर की लक्ष्मी है हमारे, ठीक है ना। चाहे ननद के घर की है, वो तो मेरी बात सुनो, भाई बहन एक ही चीज है। तो चलो जी, चल पकड़ो, खाओ, ले लो, ले लो, ये दिन बनता अभी ना। हमें सर्वाइकल शुगर बनाना 15 दिन लेती है, मेरे को इतने बुरे हाल है ना। मेरे डॉक्टर है ना, इतना बोला बाद किलो चीज भी चकनी लगता, बाजू उतर गई है। ये चीजें ना यहाँ पे ब्लॉग बन रहा है मामी जी, करो बड़े कद्दू की फोटो। अब हमारे छोटा सा कद्दू, छोटे से कद्दू के साथ बड़े कद्दू, छोटा कद्दू। मामी जी मेरी कमर टंकी खड़े हो जाए, हो जाओ जी, हो जाओ। बड़े कद्दू से छोटा कद्दू, तीनों के गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत है। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहां पे भी रहो यही कहूंगी, खुश रहो और तंदुरुस्त रहो। तंदुरुस्ती सबसे बड़ा धन है, इसे तंदुरुस्त रहो। तो मतलब मॉर्निंग क्या, अब तो खैर 11:30 लगे बजने, 12 बजने वाले हैं, 11:30 हो गए हैं, और सब कुछ हो गया, मतलब सारा काम कर लिया मैंने। और आज मेरे घर में आ रहे हैं गेस्ट, गेस्ट तो क्या, घर के ही मेंबर हैं वो, ठीक है। वो कहते हैं देवता, कहते हैं भी मतलब मेरे मायके में भी, ससुराल में भी, चाई जी भी ये कहते थे भी, जो बेटियां होती है ना, उनके बच्चे होते हैं ना, धोता धोती जो भी है, वो देवी देवता के बराबर होते हैं। मतलब एक पंडित पूजोगे ना, मतलब 100 पंडित पूजोगे और एक धोता धोती पूजोगे ना, तो वो उसी के बराबर है। तो वही धोता धोती आ रहे, मेरी ननद के बच्चे हैं, उनके आगे बच्चे हैं, वो लोग आ रहे हैं। आए तो 2-3 दिन हो गए, कल भी आए थे वो लोग, और आज क्योंकि कल रात को वो बाहर चले गए थे खाने को, फिर मैंने बोला दिन में यही खाना खाना है, तो मैं उनको बुला लिया। सब कुछ हो गया मेरा, मैं दिखाती हूँ आपको, सब कुछ ही बना लिया, मतलब सब लगभग लगभग सब कुछ हो गया है, कुछ रह गया तो आएंगे। अच्छा, आज जो बेटा है ना उनका, गोलू गौरव का, आज बर्थडे है। रात को नींद आ गई थी, मैं सच बताऊं, मेरे को तो 11 बजे पता नहीं, मतलब बेहोश हो गया, रिबू भी सोगी, मैं भी सोगी, अंशुल हमें नहीं जगाया, देख लिया सोए हुए, क्योंकि परसों रात को भी ना बहुत लेट सोए थे, और सुबह जल्दी उठ गई थी, तो कल नींद आ गई थी, तो नहीं जा सके। तो केक भी मंगवाया उसके लिए, सरप्राइज है, वो तो अभी नहीं पहुंचे हैं, केक मंगवाया उसके लिए, केक कटवाएंगे, थोड़ा सा मतलब वही बर्थडे वाली थोड़ी सी छोटा सा पार्टी करके फिर लंच करेंगे, क्योंकि आज उनकी 4 बजे की ट्रेन है, उन्होंने वापस भी जाना है। तो मेरा लगभग सब कुछ हो चुका है, तो चलो हैप्पी बर्थडे सबसे पहले तो गौरव को, हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे। इतने प्यारे बच्चे हैं ना, मैं सीरियसली बताऊं ना, उनको देख के ना दिल को ना तसल्ली हो जाती है, होना चाहिए, मतलब रिश्तेदारी में ऐसा भी होना चाहिए, जिनको देख के ना अंदर ना एक
ऐसा आता है, अरे भैया हम अकेले नहीं, हमारे साथ भी कोई है। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या बनाया। तो कुछ खास ऐसा नहीं है, सिंपल सा इंसान हूँ, पर फिर भी मैं दिखाती हूँ क्या क्या कर लिया मैंने। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बनाए मैंने, छोले बना लिए, व्हाइट छोले, काबुली छोले बनाए हैं, और ये रिब्बू बना के चली गई है, शाही पनीर बनाया रिब्बू ने बना दिया था, और ये आटा उटा गूंद लिया है, पूड़ियों का आटा, पूड़ियाँ बनाऊंगी साथ में, पापड़ हो जाएंगे, और चावल बन रहे हैं। तो दही मतलब जो रायता रूता है वो बना के रखती है, रेचल सलाद काट रही है, बस मतलब लगभग लगभग सारा काम खत्म हो गया है, उनका वेट है, बाकी काम सारा खत्म हो चुका है। वो शायद मार्केट गए, अंशुल कह रहा है, उसने मैंने देखा था, अंशुल गया था केक लेने, तो मम्मा शायद मार्केट गए हैं वो। तो चलो जब तक आते हैं, वैसे मेरा सब काम कंप्लीट हो गया है, गर्म गर्म पूड़ियां बनाऊंगी और फिर बस पापड़ तलूंगी गर्म गर्म। और रेचल को ना मैंने छुट्टी करवाई है आज, भी मेरा थोड़ा सा सर्वाइकल इशू है, क्योंकि रिबू का तो मजबूरी है, देखो उसको जाना पड़ता है, ना दर्द हो रही है तो रिबू को तो ना जाना पड़ता है, मजबूरी है, देखो जॉब वाली है। तो रेचल को भी खैर मजबूरी तो रेचल की थी, जिंदगी 3-4 दिन हो गए थे, पर मैंने बोला रेचल करना कुछ ही नहीं है, लेकिन मतलब हेल्प हो जाती बच्चे की, तो इसकी छुट्टी करा ली है, और मैं थैंकफुल हूँ इस बच्चे का। और ये बच्चा मना कर रहा है भी मुझे नहीं लेना, पर मैं सोचती हूँ नहीं लेना। रेचल थैंक यू। हाँ रेचल ने रायता रोता बना दिया, सलाद काटेगा मेरा बच्चा अब। हाँ दिखा, इतना प्यारा लग रहा सूट में, क्या जो करता तू, ये कभी भी नहीं आती मम्मी के ब्लॉग में, और मेरे को सब बोलते हैं भी अपने बच्चों को लाया करो, कहाँ से लाने बच्चे, ये बच्चा ऐसा जैसा मेरा, ये देखो। अरे अपने आप देख रही हो ना, जी जहाँ भी जाओ वो पहले फोटो शूट ही होता है। ठीक है बेटा आपकी मर्जी है, नहीं आना मम्मी के उसमें, मतलब मम्मी की फैमिली में नहीं हो आप, है ना, फैमिली से बाहर हो, पहले ही हो गई है, कल को तो हो ही जाएगी खैर, पर अभी से हो गया फैमिली से बाहर। रेचल फैमिली से बाहर, ओके रेचल। है ना, आ जाए भाई, 100 ब्राह्मण और क्या बोलते हैं उसको, एक दोता, ठीक है वो बराबर है। तो आइए दोता जी, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है हमारे घर में। पर दोता जी ना, ना मैं दोता जी को बीच में लेके करते हैं, रोज दुकान पे भाग जाता है, और इतना का टाइम नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, भाई ऊपर चढ़ के 2 मिनट, और ये वो इंसान है जो दिन रात साथ में रहता था, अब इतना बदल गया है, बदल गया ना। इनको रात को बुलाया था केक के लिए, आए नहीं 11 बजे, मेरे को पता नहीं शुरू आए नहीं, अभी कैसे करते हैं मम्मी, मेरे को बहुत था नहीं, अभी बड़ा हैप्पी बर्थडे सबसे पहले तो बाद में। मैं वैसे बोल चुकी हूँ पहले, ठीक है ना, फिर मैंने ये बोला था भाई, ये देखो ये है वो, चलो जाओ, चल चल मम्मी उधर जाओ ना, चल चल दुकान, चल चल जाओ उधर जाओ, अरे मैं तो शूटर मम्मी आई है, बैठो आ ना मम्मी, तुम कर जाओ, चलो 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 चलो, चेयर लाऊं, चेयर लाऊं, फोन पे जल जा रहा ना, बैठो माँ बाप बैठो, चल मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गोलू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे होए गोलू, हाय हो गया हो गया हो गया, जय हो जय हो, जितना ज्यादा शूट करू ना उतना कम है, तेरे तो स्टोरियां लगाऊंगी कई कई, तेरे बचपन की भी लगाऊंगी फिर साथ में, देख आज ढूंढती हूँ, आज का मेन हीरो तू ही है, फिर खाया नहीं, अरे खा के आना, मजा खा के आना, मजा आ गया, सुनो खा के जल्दी आना, खा के जल्दी आना, खा के आए वो भी, खा के आए बोलते भाभी, खा के आए, चल ठीक है, चल बेटा चलो, चलो।
वंशु को बोल आज अब रोटी खाने फटाफट आज ले हो जाते हैं हुए हैं ये सारा खाना इन्होंने बनाया क्रेडिट गोज टू गुनू दीदी गुनू बुआ मम्मी का ढाबा मम्मी किसने बनाया खाना बताइयो मम्मी का ढाबा खाना बहुत 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 स्वाद था बहुत टेस्टी मामी जी कैसा बना मैंने कैसा बनाया खाना बहुत टेस्टी सही बनाया मैंने खाना सुनो अगर खाना अच्छा बना कि नहीं बना इसका फीडबैक पता कैसे पता लगेगा हाँ जी तो तुम कितने टाइम बाद वापस मुड़ के आ रहे हो बस मैं जा ही नहीं रही मैं जा ही नहीं रही अमेजिंग वाह अभी खाना खा के आए वाह भाभी वाह क्या गोलू को खा गए अब उसके गुलदस्ते भी नहीं छट रहे हैं आज कह रात को फ्रूट वाला खाया उसको बोला मंगाते हूँ कहते बोलो मैं वो लेके आऊंगा तो ऐसे चले जाते ऐसे क्यों बना रहा नहीं कुछ नहीं करते आज यहाँ रखी नहीं अब नहीं गिर जाएगा आपका बूबी नहीं पहले ना कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मुझे अपने घर जाना है मुझे उठने के लिए अरे प्यार देखिए देखिए पता क्या सूटी मारा दूसरा देख दूसरा उसको क्यों परेशान करने जा रहा है परेशान उसको नहीं होती परेशानी कोई ए उसको परेशान करने ए जा रहा है देख ए बड़ा चालू है मेरे को पता है इसका क्या करना ऊपर है बेटा ऊपर रख दिया है जहाँ रखी होती है गिलासों के पीछे पर गिलास ना गिराइयो गर्म लग रहा है ठीक लग रहा है तो जी वो लोग चले गए मतलब शाम को निकल गए थे उनकी 5:30 की जो है 5:30 तो नहीं मेरे ख्याल हाँ 5 बजे की 4:45 की ट्रेन थी वो चले गए और मेरे साथ पता क्या हुआ मैंने शूट किया लेकिन मुझे लग रहा है भी मैं कैमरा ऑन करना भूल गई मतलब उस वाला वीडियो वाला वैसे शूट करने के लिए कैमरा ऑन किया था लेकिन जो वीडियो वाला है ना वीडियो वाला जो है वो ऑन करना भूल गई शायद क्योंकि काफी शूट किया था हमने उस टाइम भी काफी मतलब हंसी मजाक तो वो चीजें भूल गई और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना वो अपने पीछे ना बहुत यादगार जो मोमेंट्स है वो छोड़ जाते हैं और बहुत अच्छी मतलब यादें छोड़ जाते हैं बहुत मन मतलब जब वो लोग गए ना उदास हो गया था मन मतलब मन कर रहा था भी वो लोग कुछ दिन रहते तो साथ में इकट्ठे इंजॉय करते पर चलो सबके अपने अपने घर के काम है सबके अपने अपनी प्रॉब्लम से जाना जरूरी था उनका तो वो चले गए बच्चों का भी जरूरी था तो चलो इस तरह रहा उनके साथ जो टाइम था मैंने दिखाया आपको तो चलो मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बहुत मोटिवेट करते हो आप लोग इसी तरह मेरा साथ दे देना ना तो बाय बाय सबको